नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रावण चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले हरियाणा की बात। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन जारी है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश भी जारी है और जाट नेताओं को भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जाट समुदाय का धरना जारी है। गुपचुप तरीके से जाट खाप नेताओं और कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के बीच पानीपत रिफाइनरी में बातचीत हुई। बैठक में जाट नेताओं ने जेल में बंद युवाओं को रिहा करने और केस वापस लेने का मुद्दा प्रमुखता से रखा। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने जल्द हालात सामान्य होने की बात कही है, जबकि कुछ जाट नेता बातचीत से संतुष्ट नजर नहीं आए। मैं ये कहता हूँ कि सरकार इन सारे विषयों पर बहुत खुले मन से बात कर रही है, सबकी बात सुनी है और लगातार मंत्रिमंडल के सीनियर साथी इन विषयों पर बात कर रहे हैं और सरकार की सोच पूरी सकारात्मक और संवेदनशील और खुली है। ना विफल रही जी। ऐसा है, नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं, वार्ता विफल नहीं रही। जो हमारी मांग थी हम रखी, उन्होंने जो दिक्कत थी उन्होंने अपनी बताई। हमारी मांग ये थी ना भाई, जो केस हमारे तोरे बच्चों में उनके विड्रा करो। उधर सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने इनेलो कांग्रेस पर जाट आंदोलन को हवा देने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं कैप्टन अभिमन्यु का कहना है कि इनेलो और कांग्रेस जाट समेत छह जातियों को मिलने वाले आरक्षण के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। इसमें जो राजनीतिक दल पिछले चुनाव में अपने कुकर्मों से परास्त हो गए थे, वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए पीछे हुड्डा साहब असेंबली में कहते रहे मेरा कोई हाथ नहीं है। अब हुड्डा जी का भाई कभी जसिया में जाता है, कभी श्री कृष्ण हुड्डा उसका एमएलए जाता है, होड़ लगी हुई है। इनेलो की और कांग्रेस के नेताओं की इन भोले भाले किसानों को बहकाने में होड़ लगी हुई है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का षड्यंत्र है और सारा खेल पीछे से वही खेल रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल भी उसके अंदर अपनी आग में घी भड़काना, एक दूसरे को जेलों में ये भेजा करते थे। हमने एक भी राजनीतिक उत्पीड़न का काम मनोहर लाल जी के सरकार में नहीं किया। तो वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला और कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान ने मनोहर सरकार पर पलटवार किया है। ये जानबूझ करके सारे मामले को लटकाए जा रहे, कहीं ना कहीं प्रदेश के हालात को फिर से दोबारा खराब करने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र फिर इस प्रदेश के लोगों के खिलाफ रचा जा रहा है। इससे पहले सरकार के साथ हुई जाट नेताओं की बातचीत भी विफल रही थी। पानीपत से राकेश बयाना, चंडीगढ़ से कुलवीर, रोहतक से राज टाकिया के साथ सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया।